तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो भाई जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, भाई हमने किया था अपने इंडियन कार्स के साथ भाई लूप रैम चैलेंज। तो भाई हम आज फिर से आ गए अपने इन्हीं इंडियन कार्स के साथ, और आज हम करने वाले हैं भाई बिगेस्ट लूप रैम चैलेंज। और भाई ये बिगेस्ट लूप रैम चैलेंज क्यों है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखो भाई, ये है अपना आज का भाई लूप रैम, और ये भाई लूप देखो कितना बड़ा लूप है। तो भाई हमारी इंडियन कार भाई यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, ये पूरा बड़ा सा लूप पार करेगी। उसके बाद ये सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद भाई अपनी कार को इधर आना है, यहाँ पे आके जंप करना है, और यहाँ पे सीधा अंदर घुसते जाना है, फिर यहाँ पे आके एक और जंप करना है, उसके बाद भाई यहाँ पे आके लैंड करना है। तो भाई अपनी जो इंडियन कार भाई इस पर लैंड कर जाएगी वो होगी भाई अपनी बिगेस्ट लूप रैम चैलेंज की विनर। तो चलते हैं भाई अपनी इंडियन कार्स के पास, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी कार्स हैं। तो भाई हमारे पास भाई अपनी ऑल्टो है, वैगनार है, नई वाली स्विफ्ट है, अपनी वरना है, होंडा सिटी है भाई, ह्यूंडई ऑरा भी है, यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन भी भाई, ह्यूंडई क्रेटा भी है, सफारी और फोर्ड इंडेवर, साथ ही साथ भाई अपनी दमदार गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई जिसने भाई मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सबसे पहली गाड़ी जो मैं लेने वाला हूँ वो है भाई अपनी ये नन्ही मुन्नी गाड़ी, भाई सबकी दुलारी। अरे वो माइकल ऊपर नहीं चढ़ना था यार, बैठना था इसके अंदर, गाड़ी में बैठा था उस पर चढ़ जाया जाता है, हद है यार। तो भाई चलते हैं। तो भाई ये अपनी नन्ही मुन्नी गाड़ी, ओहो क्या बात है। तो भाई ये अपनी ऑल्टो 800 चल चुकी है यहाँ से, ओहो क्या स्पीड पकड़ रही है भाई। ओ भाई भाई ये रैम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कसम से भाई, ओहो हो क्या बात है भाई। अपनी ऑल्टो ने काफ़ी अच्छे से किया है अभी तक, तो भाई बहुत ही अच्छा कर रही है। और यहाँ पे ओ भाई मुझे लगा था भिड़ी जाएगी, और यहाँ पे हमें करनी अगली जंप, और भाई उस गोले पे आके लैंड करना है हमें। ओहो हो भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई आगे नहीं। तो गैस अपनी ऑल्टो ऑलमोस्ट लैंड कर ही गई थी, लेकिन एंड में भाई ये फिसल के थोड़ा उधर गिर गई। खैर कोई बात नहीं भाई, इतनी छोटी सी गाड़ी है क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी, लेते हैं भाई नई वाली स्विफ्ट, और देखते हैं भाई वो क्या कमाल दिखाती है। तो गैस हम आ चुके हैं भाई अपनी नई वाली स्विफ्ट में, और देखते हैं भाई अपनी ये स्विफ्ट क्या कमाल धमाल करती है। और ये हम चले, ओहो भाई स्पीड पकड़ ली भाई अपनी स्विफ्ट ने भी, ओहो। तो भाई मुझे लग रहा है ये भी कर ली जाएगी। ओ भाई अपनी स्विफ्ट ने कर लिया, ओ भाई मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। ओ भाई भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई ये। ओ भाई भिड़ना नहीं भाई, मुझे लगा था भाई ये तो भिड़ी जाएगी, ओ ऊपर भिड़ गई, खैर कोई नहीं। अरे 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 बच के बच के बच के। तो भाई अब मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, नहीं तो अपनी ये स्विफ्ट भाई फेल हो सकती है इस टेस्ट में। और ये हम चले, और भाई ये हमने मारा जंप, और इतनी स्पीड है सफिशियंट है। और भाई ये क्या भाई अपनी भाई स्विफ्ट ने करी है भाई यहाँ पे परफेक्ट लैंडिंग, तो अभी तक की बेस्ट लैंडिंग भाई अपनी स्विफ्ट ने करी है। और चलते हैं भाई अपनी लोकेशन पे, उठाते हैं अपनी कोई नेक्स्ट कार। तो भाई अब जो मैंने सोचा भाई अपनी नई गाड़ी जो मैं लूँगा वो मैं उठाता हूँ, एक सेकेंड। तो भाई मैं अपनी नेक्सॉन लेता हूँ इस बार, तो देखते हैं भाई अपनी नेक्सॉन क्या करती है। अरे भाई नेक्सॉन में और आए बैठ गया, नेक्सॉन में बैठना यार माइकल, क्या कर रहे हो, नेक्सॉन में बैठो फिर। और लगता है भाई हुंडई और भाई अपने, अरे भाई क्रेटा में बैठ रहे भाई, नेक्सॉन में काहे नहीं। अरे भाई माइकल क्या कर रहे हो यार, नेक्सॉन में बैठो। तो भाई इनको अपनी और पसंद आ चुकी थी, हमें लगता है यही लेके जानी पड़ेगी मुझे। तो भाई चलते हैं, देखते हैं भाई अपनी माइकल की फेवरेट हुंडई और भाई क्या परफॉर्म करती है। और भाई इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, इसने लास्ट लूप रैम में भी काफ़ी अच्छा किया था। ओहो हो क्या बात है भाई, अपनी ह्यूंडई ऑरा काफ़ी अच्छा कर रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है भाई इसकी, और भाई इसकी स्पीड भी अच्छी नहीं होती भाई। ओहो हो भाई 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 बहुत ही ज़्यादा पावर है यार इसके अंदर, मुझे लग रहा है भाई यहाँ से भी लूप मार सकते हैं भाई हम लोग। ओहो मार ही दिया था ऑलमोस्ट। तो भाई चलते हैं, ये वाला भी करना है अभी हमें। तो ये ओहो बटन दब गया, कोई बात नहीं। तो ये हम करते हैं भाई इससे जंप, और स्पीड ऑलमोस्ट हमारी 100 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो भाई ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। और भाई
ये भाई हम लोग लैंड किए सीधा अपने टारगेट के ऊपर, तो भाई अपनी ह्यूंडई और अभी सक्सेसफुल हुई है भाई, गेट वेट निकल गए इसके पूरे। तो मैं अपनी ह्यूंडई और को भी भाई ऊपर खड़ा कर देता हूँ भाई, जो गाड़ी अपनी कर लेगी वो खड़ी होगी ऊपर और जो नहीं कर पाएगी वो रहेगी भाई नीचे, तो ये है रूल। तो गैस लेते हैं हम यहाँ पे अपनी अगली गाड़ी, तो जो मैं अपनी अगली गाड़ी ले रहा हूँ भाई वो है भाई अपनी ह्यूंडई, ह्यूंडई सॉरी होंडा सिटी भाई। तो भाई अपनी होंडा सिटी भाई पिछले अपने लूप में फेल हो गई, तो भाई देखते हैं भाई क्या अपनी होंडा सिटी इस बार कर पाती है, क्योंकि भाई अपनी होंडा सिटी भाई इस बार रनवे ज़्यादा है, तो हो सकता है भाई कि इस बार इसको ज़्यादा स्पीड मिल जाए। और भाई स्पीड इसकी इस बार अच्छी खासी मिल चुकी है। ओह भाई ऊपर आके कैसे भाई ये बंद हो गई यार। तो भाई अपनी होंडा सिटी अच्छी खासी भाई इसमें भी दिक्कत दे रही, भाई पिछली बार भी सेम ऐसी बात था, अपनी होंडा सिटी भाई लूप से गिर गई थी, और इस वाले लूप रैम में भी यही हो रहा है कि भाई अपनी होंडा सिटी भाई चलते चलते नीचे गिर जा रही है भाई। तो एक ट्राई हम लोग और देंगे भाई अपनी होंडा सिटी को, तो देखते हैं क्या पता। अरे भाई 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 कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं यार, तो अभी भी अपनी होंडा सिटी काफ़ी हद तक चलने लायक है, तो हम इसे एक ट्राई और दे रहे हैं, क्या पता भाई इस बार ये कर ले जाए। और भाई गेट वेट एकदम खुल गया है, बंद हो गया, और ये हम चले, तो भाई इस बार अच्छी खासी स्पीड है। और भाई फिर से भाई अपनी होंडा सिटी ऊपर जाके बंद हो गई, तो भाई अपनी होंडा सिटी में भाई इतनी पावर नहीं है भाई कि ये काम कर पाए, तो भाई ये रेस से भाई यहीं पर आउट होती है, तो मैं इसको यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। तो भाई बड़ा बुरा लगा भाई अपनी होंडा सिटी के लिए भाई कि ये इतनी बुरी तरीके से फेल हो गई। खैर भाई अपनी नेक्स्ट कार लेते हैं, तो भाई अब हुंडई वरना को लेते हैं, क्योंकि भाई होंडा सिटी को कॉम्पिटिशन हुंडई वरना लेती, तो भाई तो हुंडई वरना का लेना बनता है भाई, तो ये हम चले भाई अपनी हुंडई वरना के साथ। और भाई क्या स्पीड है भाई अपनी हुंडई वरना की, ओ हो भाई भाई पूरा लूप कर लिया अपनी हुंडई वरना ने, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड है भाई इसकी। तो भाई हुंडई गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ओहो जंप भी मार दिया भाई और ऊपर भी लड़ गई है। अरे 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 सीधी हो जा, सीधी हो गई है, अब आगे चलते हैं। और भाई ये आती भाई अपनी जंप की बारी अब, और ये किया जंप, ओहो क्या जंप किया, और भाई ज़्यादा आगे आ गया क्या, नहीं 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 परफेक्ट है। और भाई ये लगाई ब्रेक, तो भाई अपनी होंडा सिटी कह रहा हूँ सॉरी हुंडई वरना भी भाई यहाँ पे पहुँच गई है। तो भाई देख सकते हो अपनी कौन कौन सी गाड़ी अब तक यहाँ पे आ गई, भाई अपनी हुंडई वरना आ गई, हुंडई ऑरा आ गई है भाई, नई वाली स्विफ्ट आ गई है, और भाई अपनी नन्नी मुन्नी ऑल्टो 800 भी यहाँ पे आ चुकी है। तो भाई लेते हैं अपनी अगली कार, तो यहाँ पे जो मैं अगली कार लेने की सोच रहा हूँ भाई, तो वो लेते हैं भाई अपनी हुंडई क्रेटा को, तो नेक्सॉन को सबसे लास्ट में लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम चल दिए भाई अपनी हुंडई क्रेटा के साथ, और देखते हैं भाई अपनी क्रेटा कर पाती कि नहीं। तो भाई वैसे तो मुझे लगता है भाई अपनी क्रेटा अच्छे से कर लेगी ये, ओह काफ़ी पावर है भाई इसमें भी, लेकिन भाई ये लूप भाई अपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओहो तो भाई अपनी क्रेटा को ऑलमोस्ट भाई दिक्कत आ ही चुकी थी भाई, बंद ही होने वाली थी, लेकिन भाई किसी तरह भाई ये हो गया इससे, कोई हल्की सी स्पीड और धीमी होती ना भाई अपनी क्रेटा अटक गई होती वहाँ पे। ओहो भाई ज़्यादा ऊंची जंप हो जाती है, तो यही दिक्कत आती है। और भाई यहाँ पे अब जंप है अपनी, और ये करी भाई क्रेटा ने जंप। ओहो भाई एकदम ब्लू डॉट पे गिरी है भाई अपनी क्रेटा पे, एकदम ब्लू डॉट पे गिरी है, क्या बात है भाई क्या बात है भाई, परफेक्ट जंप भाई जाता है भाई अपनी क्रेटा को। तो यहाँ पे अपनी क्रेटा को खड़ा कर देता हूँ, और भाई इसकी इंजन से आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी अगली गाड़ी जो होने वाली है भाई, एक छोटी गाड़ी बची है, तो पहले इसको भी ले लेते हैं अपनी वैगनार, तो देखते हैं वैगनार भी क्या करती है भाई अपना। तो भाई जहाँ तो मुझे लगता है भाई वैगनार अपनी कर लेती है, क्योंकि भाई काफ़ी हल्की कार है, तो इसको तो ऐसी कुछ दिक्कत आने नहीं वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये अपनी वैगनार चली, ओह तो भाई वैगनार भी थोड़ी सी अलग आवाज़ कर रही है। ओ भाई ये क्या भाई, यहाँ पे अपनी वैगनार भाई क्रैश कैसे हुई भाई, मैं ये नहीं समझ पाया यार। तो एक बार फिर से करते हैं भाई वैगनार के साथ, मैं समझ ही नहीं पाया भाई कि अपनी वैगनार क्रैश कैसे हुई है। ओहो तो थोड़ा सा और भी चलते हैं, तो ये हम चले भाई सेकेंड अटैम्प्ट अपनी वैगनार का,
और ये भाई स्पीड तो इसने अच्छी खासी पकड़ ली है, लेकिन भाई नीचे जाके कुछ लड़ गया था इस पे। ओहो तो भाई क्या बात है भाई, भाई ये फिर से लड़ी भाई आ गया और इसका बोनट खुल चुका है। ओ भाई क्या बाल बाल बची है भाई अपनी वैगनार भाई, लड़ने वाली थी भाई एकदम। पर यहाँ पे भाई आखिरी पॉइंट अपना, और ये भाई तो भाई अपनी वैगनार काफ़ी सही लैंड करी, और आगे से देख सकते हो भाई इसका मुंह कैसा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है इसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा रखी है। खैर भाई अपनी वैगनार भी यहाँ पहुँच चुकी है भाई, और मुझे होंडा सिटी का अभी तक भरोसा नहीं हो रहा भाई कि कैसे वो रह गई। तो चलते हैं भाई वापस। तो भाई अब बची है भाई अपनी तीनों SUVs। तो भाई सबसे पहले तो भाई टाटा सफारी को देखते हैं, टाटा सफारी कर पाती है कि नहीं कर पाती, काफ़ी भारी कार है ये। और ये चलिए भाई, ओहो तो देख सकते हो कितनी भारी कार है भाई अपनी टाटा सफारी, अच्छी खासी हैवी है भाई ये कार। और ये किया जंप, ओहो भाई 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 भाई, भाई अपनी टाटा सफारी क्या भाई फेल हो गई भाई, किया इसने लूप तो किया भाई, लेकिन पता है इसने एंड में भाई ग्रिप छोड़ दी थी अपनी भाई, पूरी हवा में आई थी नीचे। तो इससे एक बार और करने वाले हम लोग, तो भाई चलते हैं अपनी टाटा सफारी के साथ वापस। तो ये हम चले, ओहो भाई अपनी टाटा सफारी ने फिर से ग्रिप छोड़ दी भाई, ये क्या हो रहा है भाई अपनी टाटा सफारी को यार, क्योंकि भाई ये लूप अपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए भाई टाटा सफारी भाई अपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी और उसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है। यहाँ पे जो हल्की गाड़ियाँ भाई ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं भाई मैं देख रहा हूँ। तो भाई अपनी टाटा सफारी को भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं भाई, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पास दो और SUVs बची हैं भाई, अपनी फोर्ड एंडेवर और अपनी फॉर्च्यूनर। तो अपनी फोर्ड एंडेवर में बैठते हैं जल्दी से, और ये चलिए भाई अपनी दमदार फोर्ड एंडेवर। तो मुझे लग रहा है भाई काफ़ी आराम से कर लेगी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई ये लूप। और क्या स्पीड पकड़ी, ऑलमोस्ट 200 पहुँच चुकी थी भाई ये, क्या बात है, ओहो बहुत तेज़ स्पीड है भाई इसकी। तो जैसा कि भाई आपने देखा भाई क्या स्पीड से किया है भाई इसने, ओहो क्या जंप कर रही है भाई। तो भाई इंडेवर में भाई अपने बहुत ही ज़्यादा पावर है, ओहो 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 अरे भाई, तो भाई अपने इंडेवर भाई ज़्यादा ही आगे आ गई है भाई यहाँ से, तो मुझे लगा था भाई इसको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी यहाँ पे लैंड करने के लिए। खैर भाई वैसे भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये गाड़ी हारी है, लेकिन भाई ये गाड़ी जीती भी नहीं है एक तरीके से, भाई पावर तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई इस गाड़ी में, भाई ये चीज़ तो मुझे माननी पड़ेगी यार। तो भाई अपनी आखिरी गाड़ी, आखिरी कह रहा भाई सेकंड लास्ट कार जो हम लेने वाले भाई, ये लेने वाले भाई टोयोटा फॉर्चुनर भाई, उसके बाद बारी आ जाएगी भाई अपनी नेक्सॉन की। तो भाई बैठते हैं भाई अपनी फॉर्चुनर के अंदर। तो भाई फॉर्चुनर भाई अपनी पिछली बार ये रैंप नहीं कर पाई थी, और देखना है भाई कि क्या अपनी फॉर्चुनर भाई इस बार करती है। तो भाई ये अपनी फॉर्चुनर चली, और भाई ये ओ भाई, तो भाई इस बार अपनी फॉर्चुनर ने कर दिया भाई, क्या बात है भाई क्या बात है, काफ़ी ढंग से कर रही है इस बार अपनी फॉर्चुनर। तो भाई पिछली बार अपनी फॉर्चुनर रह गए थे भाई, इस बार भाई अपनी फॉर्चुनर ने कर दिया है, पता नहीं कैसे कर दिया लेकिन भाई कर दिया है। ओहो स्पीड इसकी शायद धीमी रह गई थोड़ी सी, ओ भाई बस इतना सा रह गई भाई, बस इतना सा रह गई अपनी फॉर्चुनर। खैर कोई बात नहीं भाई, वैसे भाई आई अपनी फॉर्चुनर यहाँ पहुँच चुकी थी, तो भाई मैं सोच रहा हूँ एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं भाई अपनी फॉर्चुनर से, भाई इसको भी एक मौका देंगे यार, ऐसा नहीं कर सकते हम इसके साथ। तो ये हम चले भाई अपनी फॉर्चुनर के साथ एक बार और, तो देखते हैं भाई इस बार भाई मैं ब्रेक एक्सीलेटर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पीछे मैंने छोड़ दिया, मेरे लग रहा कहीं स्पीड ज़्यादा ना हो जाए और ये आगे ना निकल जाए। ओहो भाई बम्पर निकल चुका है भाई अपनी फॉर्चुनर का, और ये चली भाई, और ओहो क्या बात है, अरे भाई लड़ गई भाई अपनी फॉर्चुनर के सारे दरवाजे खुल चुके हैं भाई, भाई इंजन से धुआं भी निकल आया है भाई। तो भाई इस बार हमें ऊपर लैंड करना है भाई कैसे भी करके,
और ये हम चले भाई 100+ स्पीड हो चुकी है। और ये भाई ये देखो भाई धुएं वाली फॉर्चुनर अपनी, क्या बात है। ओहो हो हो हो, तो भाई यहाँ पे अपनी फॉर्चुनर भाई ऊपर पहुँच चुकी है। तो अब बचती भाई अपनी आखिरी गाड़ी, जो कि है भाई अपनी टाटा नेक्सॉन। भाई लेते हैं भाई अपनी टाटा नेक्सॉन को, देखते हैं भाई कि अपनी टाटा नेक्सॉन भी अब क्या करती है। तो गैस अब बारी आती है भाई अपनी टाटा नेक्सॉन की, और देखते हैं भाई कि अपनी टाटा नेक्सॉन कैसा परफॉर्म करती है। और भाई ये अपनी नेक्सॉन चल दी है भाई, और भाई देखते हैं क्या होता है। और भाई काफ़ी तेज़ जा रही है भाई ये तो। ओहो हो हो, क्या स्पीड है भाई नेक्सॉन की, क्या स्पीड है भाई। ओहो भाई काफ़ी अच्छे से अपनी नेक्सॉन भी यहाँ पे कर रही है। अरे भाई भाई, अरे भाई मुझे लगा था कि भाई अभी हम भिड़े भाई, ऐसा लगा था अभी। ओहो तो गैस यहाँ पे अपनी नेक्सॉन, ओह भाई क्या टारगेट निशान लगाया भाई नेक्सॉन ने। ओहो हो क्या बात है। तो भाई अपनी नेक्सॉन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है भाई, और बाकी गाड़ी यहाँ पे हटा ली थी जिससे भाई जगह बनी रहा है यहाँ पे। तो गैस उम्मीद है भाई आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।